अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही आसान और मज़ेदार टर्की बनाने की रेसिपी। अभी रिसेंटली मैंने थैंक्सगिविंग डिनर पे इसको बनाया था, मेरी फैमिली ने इसे बहुत पसंद किया। आई होप आपको भी रेसिपी अच्छी लगेगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टर्की को ले के अच्छी तरह से धो के हम उसको ड्राई करेंगे। अब इसके साथ हम लेंगे स्पाइसेस, जिसमें मैंने लिया है पेपरिका पाउडर, हल्दी पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, धनिया पाउडर, गार्लिक पाउडर, ऑनियन पाउडर और लेमन पेपर पाउडर। इन तमाम स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसको हम इवनली टर्की पे रब करेंगे। अब इसको मैंने फ्लिप ओवर करके दूसरी साइड पे भी ऐसे ही रब किया है स्पाइसेस। अब हम लेंगे बटर तकरीबन हाफ कप, उसमें मैंने ऐड किया है गार्लिक पेस्ट और सीजनिंग हर्ब पाउडर। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके टर्की के ऊपर अप्लाई करेंगे। अब इसमें मैंने कुछ स्टफिंग ऐड की है, आलू, प्याज, गाजर और रोजमेरी के कुछ लीव्स हैं। अब इसके साथ ही हम टर्की की लेग्स को अच्छे से टाई करेंगे ताकि बेकिंग के दौरान ये स्प्रेड आउट ना हो सके। टर्की बेकिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। इसको हम फॉइल से हल्का सा कवर कर देंगे। और इसको 350 डिग्रीज पे मैंने 6 घंटे तक के लिए बेक किया था। बेकिंग के दौरान आप इसको चेक भी करते रहें। 6 घंटे बाद इसको निकाला, टर्की मेरी बिल्कुल रेडी थी और बहुत ही मॉइस्ट बनी थी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।